ठीक है, क्लास जो आज की शुरू होने वाली है वो क्लास हमारी शुरू होगी मार्केटिंग के फंक्शन। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, एक बिजनेस में मार्केटिंग करते हो, तो मार्केटिंग को करते वक्त एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन 14 फंक्शन को परफॉर्म करती है। कितने फंक्शन को? 14 फंक्शन को। और आज हम 14 फंक्शन में से स्टार्टिंग के 7 फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? जब हम 7 फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 7 के 7 फंक्शन एक ऑर्डर में हो, एक सीक्वेंस में हो। जैसे मैंने लिखा है, आपको इन्हें इसी सीक्वेंस के अंदर लर्न करना है और इसी ऑर्डर के अंदर आपका सारा काम यहाँ पे आपको करना है। क्लियर है? सबसे पहला जो मार्केटिंग के अंदर फंक्शन परफॉर्म होता है, उस फंक्शन का नाम है मार्केट एनालाइज। क्या नाम है? मार्केट एनालाइज। क्लियर है? मार्केट एनालाइज का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए। मार्केट एनालाइज का मतलब होता है मार्केट के अंदर जाके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। गैदरिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और आई भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। मार्केट एनालाइज का मतलब यह है, एक कंपनी अपनी प्रोडक्शन, अपने काम को शुरू करने से पहले अपने यहाँ 3-4 मार्केटर को हायर करती है, उन्हें रिक्रूट करती है। रिक्रूट का मतलब उन्हें जॉब पे रखती है और उन लोगों को मार्केट में भेजती है और ये पता लगवाती है कि जाओ पता करके आओ कस्टमर की जरूरत क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है, किस तरीके का प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड है। ठीक है? अगर कोई कंपनी पहले से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, वो कंपनी भी मार्केट एनालाइज कराती है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी भी ये चाहती है पूछना कि जाओ देख के आओ कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं, क्या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर को कोई कंप्लेंट आ रही है या नहीं आ रही है। समझ आई बात है? नहीं आई? तो सबसे पहला जो काम है मार्केट एनालाइज का, वो है मार्केट में जाके जानकारी को इकट्ठा करना और इकट्ठी करी हुई जानकारी को एनालाइज करना। क्लियर है भाई? जब मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा, कुछ भी नया लाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं मार्केट में रिसर्च करूंगा और मैं वहां जाके देखूंगा एक्चुअल में लोगों को क्या चाहिए, लोगों की नीड क्या है। अगर वो वाकई में लोगों की नीड होगी तो फिर मैं उस चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा और उसे आगे चालू करूंगा। अगर मैं कोई एक ऐसी चीज बना दूं जो लोगों की नीड ही नहीं है तो उसे कोई नहीं खरीदेगा, सीधी सी बात है। तो हमें पहले मार्केट की रिसर्च करनी है, लोगों से मिलना है, लोगों से जुड़ना है और गैदर करना है किसको? इंफॉर्मेशन को। और आई भी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है? एनालाइज करना। समझ आई बात है? नहीं? पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक है। जब आपने मार्केट में जाके मार्केट को एनालाइज किया, वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आई, लेट अस्सुम मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि टीचर्स को वाकई में किसकी नीड है? मार्कर की नीड है। तो यार मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, क्या इंफॉर्मेशन आती मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी? नहीं हो सकती। हमने मैनेजमेंट में पढ़ा भैया, सबसे पहला काम होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। तो जब हमने मार्केट में जाके पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, एनालाइज किया, तो अब हमारा अगला काम है जिसका नाम है मार्केट प्लानिंग। क्या नाम है? मार्केट प्लानिंग। तो अब हम क्या करेंगे? मार्केट की प्लानिंग करेंगे, मतलब अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितनी क्वांटिटी में होगा, हम कहाँ प्रोडक्शन करेंगे, कैसे हमारा काम होगा, हम किन किन चीजों से मिलकर हमारे प्रोडक्ट को बनाएंगे, इन सब चीजों की हम प्लानिंग कर रहे हैं, केवल हम सोच रहे हैं। मैंने बताया था मैनेजमेंट में प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी डू इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो हम करने वाले हैं उसके बारे में जब हम पहले सोच लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। तो बस यहाँ पे वही होगा, आपने मार्केट में जाके रिसर्च की, इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, उसे एनालाइज किया, अब जो इंफॉर्मेशन आई है, जो आपने रिसर्च की है, उसके बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग करना शुरू करोगे। क्लियर है? अब आप प्लानिंग करना शुरू करोगे, खत्म होगा आपका काम। जैसे आपकी प्लानिंग हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको फ्यूचर में ये सब चीजें करनी है, उसके बाद जो आप अगला काम करोगे वो काम होगा आपका कम्युनिकेशन। क्या होगा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अब आपको लोगों को बताना है कि हम ये लेके आ रहे हैं। मार्केट एनालाइज में आपने ये नहीं बताया कि हम ये लेके आ रहे हैं, आपने क्या पता किया कि लोगों को क्या चाहिए, आपने क्या पता किया कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की जरूरत क्या है। आपको जब ये पता लगा तो उसके बेसिस पे आपने क्या की? प्लानिंग। आपने अपनी प्लानिंग की। अब आपने प्लानिंग की तो आप लोगों को बताओ यार कि हम ये लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उसे आप कहोगे मार्केट
कम्युनिकेशन। और आप कैसे बताओगे, घर घर जाके बताओगे? नहीं, आप एक एडवर्टीजमेंट कर दोगे कि ये कंपनी आने वाले कुछ दिनों में ये नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जिस लोकेलिटी से आता हूँ, जिस एरिया से आता हूँ, उसको कहते हैं सिरसी रोड। अगर सिरसी रोड की मैं बात करूं तो सिरसी रोड पे एक भी मॉल नहीं है, मॉल, बड़ा मॉल जिसमें स्क्रीन हो, पब हो, डिस्को, बच्चों के लिए गेमिंग जोन हो, पिक्चरें चलती हो, वहां पे शॉपिंग हो, सब कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिरसी रोड वाले लोगों को अगर कुछ भी ऐसी चीज चाहिए तो उन्हें वैशाली नगर आना पड़ता है, और वैशाली नगर में सारी सुविधा है। क्लियर है? हम सब जानते हैं जयपुर का एक इलाका है वैशाली नगर, वहां पे सारी सुविधा है। क्लियर है? वहां पे एक कंपनी आई, उस कंपनी का नाम है आर्टेक। क्या नाम है? आर्टेक। आर्टेक ग्रुप है। आर्टेक ग्रुप एक नया ग्रुप था जो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला था, एक मॉल को बनाने वाला था, जिस मॉल का नाम है कैपिटल गैलेरिया। क्या नाम है? कैपिटल गैलेरिया। उससे पहले आर्टेक ग्रुप ने सबसे पहले ये काम किया, मार्केट एनालिसिस, वहां की लोकेलिटी में सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बेसिस पे पूछा, मुझसे भी पूछा, यार आप मूवी देखने जाते हो तो कहां जाते हो? मैंने कहा मैं आईनॉक्स जाता हूं, वैशाली में ट्राइटन मॉल जाता हूं, ठीक है, इधर उधर जाता हूं। यार आपको नहीं लगता आपकी सिरसी रोड पे पिक्चर हॉल होना चाहिए जहां पे आप पिक्चर देख सको, आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं? मैंने कहा कि हाँ यार होना चाहिए। मुझसे डेटा इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन ले ली, मुझसे शिवराज के पास गए, लेट अस ज्वाइन, इसके पास गए शिवराज के पास गए। अब शिवराज के पास जब गए तो शिवराज से पूछा, आप जब कपड़े लेने जाते हो तो आप कहाँ जाते हो? शिवराज ने कहा मैं वैशाली जाता हूँ। तो आपको लगता आपके यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राज के पास गए, राज से पूछा जब आपको अच्छा खाना खाना होता है, लंच डिनर करना होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं बैठना होता है, आप कहाँ जाते हो? बोले वैशाली जाता हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह सब वहीं पे है। तो फिर राज से पूछा, आप नहीं चाहते कि यहाँ एक जगह और वहीं पे रेस्टोरेंट हो, सब कुछ हो? तो ये रिसर्च हुई। आर्टेक ग्रुप ने क्या किया, मार्केट को एनालाइज किया और जाना कि वहाँ के लोगों की नीड क्या है, उसके हिसाब से प्लानिंग की कि हम एक मॉल बनाएंगे, उस मॉल में 7-star होटल होगा, 7 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स होगा जिसमें एक साथ 7 मूवीज चल सकती है एक समय, वहां पे गेमिंग जोन होगा, वहां पे पब होगा, वहां पे ब्रांडेड शोरूम होंगे, वहां जिम्स होंगे, वहां कैफेटेरिया होगा, इतनी सारी चीजें होंगी, कियोस्क होंगे, चौपाटी होगी, सब कुछ होगा एक ही बिल्डिंग के अंदर। उन्होंने क्या की, प्लानिंग की है। क्या मॉल बनना शुरू थोड़ी हुआ है अभी? नहीं, अब मॉल बनना शुरू होने से पहले आर्टेक ग्रुप ने जनता को बताया कि हम आर्टेक ग्रुप आपके इस लोकेलिटी के अंदर लेके आ रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है कैपिटल गैलेरिया। क्या नाम है? कैपिटल गैलेरिया। और वो उन्होंने क्या किया, मार्केट कम्युनिकेशन। क्या किया? मार्केट कम्युनिकेशन। अब इसमें एडवर्टीजमेंट आ सकता है, एक बड़ा सा विज्ञापन लगा दिया और उसके बाद लिख दिया अतिशीघ्र आपके लोकेलिटी में, आपके क्षेत्र में 7-star होटल, 7-screen मल्टीप्लेक्स, अफसर आइए, दुकानें लीजिए, जो लीजिए वो सब लीजिए, लोगों को कम्युनिकेशन कर लिया। समझ आई बात नहीं? शुरू के 3 पॉइंट क्लियर। अब दोबारा से मार्कर पे आ जाओ, वो मैंने आर्टेक का जो आपको बताया उसके बाद शुरू के 3 पॉइंट को रिवाइज करने के लिए बताया। क्लियर? देन मार्केट में सबको बता दिया, सभी टीचर्स को बता दिया कि हम कैमलिन क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए, मार्कर लेके आ रहे हैं, टीचर का जीवन होगा आसान, चौक की धुआं होगी खत्म। समझ आई बात है? हमने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बता दिया सब टीचर्स को, वेट है किसका, मार्केट। अब यार सबको बता दिया, अब क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, हमारा अगला काम। बताने तो कुछ नहीं होता है, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। अब हमारा अगला काम है प्रोडक्ट का डिजाइन। हमने हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन किया और हमारा ये डिजाइन फाइनल हुआ। क्लियर? अब जैसे ही हमारा डिजाइन फाइनल हुआ वैसे हमारे प्रोडक्ट की क्या चालू कर देंगे, प्रोडक्शन। हम हमारे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? डेवलपमेंट। तो अगला काम क्या है आपका, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। समझ आया नहीं आया? क्लियर है? जैसे आप लोगों को बता दोगे, आपके पास पूरी जानकारी है, आपने प्लानिंग कर ली है, तो आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए और उसका डेवलपमेंट शुरू कर दीजिए। समझ आई बात नहीं? अब प्रोडक्ट का डिजाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, अब आपको अपने मार्केट का सेगमेंटेशन करना है। मार्केट के सेगमेंटेशन का मतलब है मार्केट का क्लासिफिकेशन। क्या मतलब है? मार्केट का क्लासिफिकेशन, कि भाई ये मेरा मार्कर कौन कौन से मार्केट में बिके। हो सकता है मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊं या फिर ऐसे एरिया में जाऊं जो बैकवर्ड होते हैं। क्या होते हैं? बैकवर्ड होते हैं, वहां लोग इसे बाकी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वहां आज भी जो बच्चे स्लेट पेंसिल से ही पढ़ते हैं और वहां स्कूलों के अंदर बच्चों को बोर्ड पे चौक से ही पढ़ाया जाता है। क्लियर है? अगर मैं उन स्कूल में मार्कर को बेचने जाऊंगा तो ये नहीं बिकेगा।
तो मुझे मेरे मार्केट का सेगमेंटेशन करना है कि ये मेरा मार्कर कहाँ बिके। इसका एग्जांपल तुम लोग समझो कैडबरी से, किससे समझो कैडबरी से, कैडबरी डेरी मिल्क, डेरी मिल्क कम से कम कितने रुपए की आती है, 5 रुपए की, और मैक्सिमम कितने की आती है, 400 तक, 400 तक की मैंने खरीदी है, ठीक है 400 तक आती है, क्लियर है, और भी आती हो तो मुझे पता नहीं। अब पता है डेरी मिल्क ने जो कैडबरी है, कैडबरी ने क्या कर रखा, अपने मार्केट पकड़ रखे हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैं एक एरिया की बात कर लेता हूँ, जैसे कि आप तिरसी रोड की बात करें, जैसे यहाँ पे क्या है मिडिल क्लास फैमिली रहती है सारी, और यहाँ पे एक बेकरी शॉप है, तो कैडबरी जानता है कि यह मिडिल क्लास फैमिली है, यहाँ जो फैमिलीज हैं वो 5 रुपए से लेकर 150 तक की डेरी मिल्क अफोर्ड कर सकती है, तो इस मार्केट के अंदर कितने रुपए वाली डेरी मिल्क बिकेगी, 5 से 150 वाली। अगर ये बात मैं वैशाली नगर सीस्किम जैसे बड़े इलाकों की बात करूँ, राजा पार्क जैसे जहाँ पे पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि 400 वाली डेरी मिल्क भी अवेलेबल हो दुकान पर, डेफिनेटली हो सकता है। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन, कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट के लिए अपने अपने मार्केट चुन रखे कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा, मेरा ये वाला प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा, इस प्रोडक्ट को इस एरिया में बेचना है, उस प्रोडक्ट को उस एरिया में बेचना है, उसे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब प्रोडक्ट डिजाइन हो चुका है, बन चुका है, और ये डिसाइड हो चुका है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से एरिया में जाएगा बिकने के लिए। समझ आई बात है, नहीं अब हो गया क्लियर है, बिकने के लिए भेजोगे ना, उससे पहले अपने प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, आप अक्सर कपड़े खरीदते हो, कपड़ों में साइज आता है, जैसे मैं शर्ट परचेज करता हूं तो शर्ट में साइज आता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, ठीक है। तो अब यार वहां पे इसी चेक्स की बहुत सारी शर्ट है और इसी कलर की, क्लियर है, तो मैं सारे साइज तो खरीद सकता, मुझे सारे साइज सपोर्ट ही नहीं करेगी, मुझे पता है मेरे एल और एम ही आना है, क्लियर, या तो मैं एल पहनूंगा या फिर मैं एम पहनूंगा, एस भी नहीं पहन सकता फिर उसमें तो बड़ी बड़ी दिख जाएगी मेरी, ठीक है, और एक्सएल और डबल एक्सएल भी नहीं पढ़ सकते अपन, सीधी सी बात भी है, तो एम और एल करेगा, तो ये मुझे ग्रेडिंग की वजह से पता लगा। मैं वहां वो सिमिलर प्रोडक्ट रखे थे, उसमें अपनी ग्रेड का प्रोडक्ट किसकी वजह से ढूंढ पाया, जब उस प्रोडक्ट की ग्रेडिंग की गई, क्या की गई, ग्रेडिंग की, ये एस है, ये एम है, ये एल है, ये एक्सएल और ये आपका डबल एक्सएल। समझ आई बात है, ध्यान देना, अक्सर ग्रेडिंग जो है ना कपड़ों में होती है, मगर ज्यादा से ज्यादा जो ग्रेडिंग है ना वो खाने पीने के आइटमों में होती है। एप्पल की बात करो, मार्केट में जो सेब जो एप्पल है वो 40 रुपए किलो से लेके 400 रुपए किलो तक की है, समझ आ रही बात, और वो ग्रेडिंग होती है, ए ग्रेड की एप्पल है, बी ग्रेड की एप्पल है, सी ग्रेड की एप्पल, समझ आ रही बात, जो 40 रुपए वाली वो सी ग्रेड की एप्पल है जो हम सब खाते हैं, ठीक है, और जो 400 रुपए किलो वाली एप्पल है वो ए क्वालिटी की है, बिल्कुल ग्रीन से कलर की आती है, थोड़ी खट्टी मीठी आती है टेस्ट के अंदर, ठीक है, और इतनी सॉफ्ट आती है अगर आप उसको पूरी ताकत से यूं कर दो ना तो उसका यू हो जाएगी पूरी मैश हो जाएगी, बिल्कुल इतनी सॉफ्ट आती है, क्लियर है, तो ग्रेडिंग है यार, वो क्या है आपकी ग्रेडिंग, जिससे क्या होता है कस्टमर अपने हिसाब से जजमेंट बनाता है कि मेरी ग्रेड कौन सी है और मेरा वाला प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। अगर हम कपड़े लेने जाते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कहेगी लाइफ स्टाइल जाना है कपड़े लेने, तो हम जानते हैं हमारी ग्रेडिंग नहीं है, हम लाइफ स्टाइल नहीं जाएंगे, ठीक है, हो सकता है आप में से कहीं की ग्रेडिंग हो आप लाइफ स्टाइल जाओगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बजट लेके चल रहा हूँ कि मुझे 2000 मैक्सिमम तक की ड्रेस चाहिए दिवाली पे, जिसमें ट्राउजर आ जाए, शर्ट आ जाए और एक डीओ परफ्यूम भी आ जाए, तो चलो अच्छा रहेगा, थोड़ी खुशबू आती रहेगी, ठीक है, मगर एक्चुअल में क्या है, अब मेरे को बोले तो लाइफ स्टाइल चलेंगे, मुझे पता वहां जाऊंगा तो वो एक ड्रेस ही 4000 की, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, जीती जाऊंगा क्रिस्टल कोर्ट जाऊंगा, समझ आ रही बात है, वहां मेरे को 2000 तक का जो मेरा पैकेज है वो मुझे मिल जाएगा, तो ग्रेडिंग है, तो ग्रेडिंग की प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना भी यहाँ पे जरूरी है। जब एक कंपनी प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करती है, उसके बाद अपने मार्केट को डिवाइड करती है, फिर प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करती है, क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग होगी ना, कि भाई यहाँ पे कौन सी ग्रेड का प्रोडक्ट जाएगा, यहाँ पे कौन सी ग्रेड का प्रोडक्ट जाएगा, यहाँ पे कौन सी ग्रेड का प्रोडक्ट जाएगा, समझ आया नहीं आया, ग्रेडिंग होगी। अब ग्रेडिंग और वो मतलब एक ही स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का, यहाँ पे ग्रेडिंग होने के बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है अगला काम पैकेजिंग और लेबलिंग। ग्रेडिंग हो गई, कपड़े पे लिख दिया एस एम एल सब कुछ, अब उसे पैक करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, अच्छा पैकेजिंग क्यों की जाती है, पैकेजिंग करने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है,
ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन आप अपने प्रोडक्ट को खराब होने से बचा सको, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन आप अपने प्रोडक्ट को खराब होने से बचा सको, उसे ही हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेजिंग। समझ एक बात करिए, और उस पैकेट के ऊपर वो जो सारी चीजें लिखी हुई है, इसे किसने बनाया है, ये किन किन चीजों से मिलके बना है, ये कब बना था, इसकी मैक्सिमम रेट क्या है, ये कब एक्सपायर होगा, उस सबको हम क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबलिंग। ध्यान रखना, एक प्रोडक्ट को पैक किया जाता है किसी रैपर में, और उस रैपर के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो सब क्या है, उसकी लेबलिंग। क्या है? उसकी लेबलिंग। तो सात फंक्शन मार्केटिंग के हैं। सबसे पहले एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट को क्या करती है, एनालाइज करती है, बाजार में जाके जानकारी इकट्ठा करती है और फिर उसे एनालाइज करती है। जो जानकारी इकट्ठी हुई है, जो जानकारी आई है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। क्लियर है? जैसे ही प्लानिंग हो जाती है, वो लोगों से कम्युनिकेशन बिठाना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, विद द हेल्प ऑफ माउथ पब्लिसिटी, लोगों से लोगों तक बात पहुंचवाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। जब कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, और डिजाइन करती है उसकी क्या चालू कर देती है, प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू कर देती है। जैसे प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, मार्केट को डिवाइड किया जाता है, मार्केट के सेगमेंटेशन बनाए जाते हैं कहां कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। उसके बाद फिर हमारे प्रोडक्ट की ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेडिंग होते हैं, हमारे प्रोडक्ट को पैक करते हैं, और पैक करने के बाद उसकी क्या कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लेबलिंग कर देते हैं। समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? आई होप आप सभी को सात के सात फंक्शन यहाँ पे समझ आए होंगे।